रविवार की सुबह भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सा मार्केट में दुकानदारों ने मकान मालिक फकरे आलम हसन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भागलपुर मिशनरी एसोसिएशन के बैनर तले दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि मकान मालिक ने उनके दुकानों के तालों में वेल्डिंग करवा दिया है, जिसके कारण वे अपनी दुकान नहीं खोल पा रहे हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि वे लोग लगभग 50 वर्षों से शाह मार्केट में अपनी दुकान चला रहे हैं और उनके पास पूर्वजों के समय से ही दुकानों की रजिस्ट्री है। उन्होंने कहा कि मकान मालिक बेवजह उनके दुकानों पर कब्जा करना चाहता है। इस दौरान दुकानदारों ने शाह मार्केट परिसर में जमकर हंगामा किया। दुकानदारों ने SSP कार्यालय और कोतवाली थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस के वरीय अधिकारियों ने दुकानदारों को आश्वासन दिया है कि मामले की जांच की जाएगी और उनके पक्ष को भी रखा जाएगा। फिलहाल पुलिस और दुकानदारों के बीच बातचीत जारी है। वहीं मामले को लेकर दुकानदारों का कहना है कि यदि उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान नहीं किया गया तो वे सब आगे आंदोलन और तेज करेंगे। मामला ये कि कल रात 10:42 पर हमारे लैंडलॉर्ड के द्वारा 5 दुकान में, हमारे एसोसिएशन के 5 दुकानों में वेल्डिंग कर जाएगा तालों। हमें 10:42 में हमारे गार्ड ने हमको फ़ोन किया कि भैया ऐसा ऐसा कांड हो रहा है। फिर हमने सभी अपने, हमारा एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है भागलपुर मशीनरी डीलर्स एसोसिएशन, इसमें हमारे 40 मेंबर, हमने सबों को फ़ोन किया रात में ही 10:45, सभी लोग करीब 40-50 आदमी रात में हमारे आए, सब लोग आए, हम लोगों ने सब मुआयना किया, फिर हम लोग एक लेटर बना करके थाना में दिया और इस प्रकार हम लोग रात में 3 तक बाज़ार में डटे रहे। उनके तरफ से कहीं कोई बात नहीं। फिर आज सुबह से हम लोग जो है आए हैं, 8 से ही आए हुए हैं, थाना भी गए हैं और ये सारी प्रक्रियाएं हुई। कितने वर्षों से लगभग यहाँ पे आप लोगों का शॉप? हम लोग अभी करीब 50-55 साल से हैं। 50-55, आखिर इतने वर्षों से आप लोग यहाँ पर हैं, एस्टेब्लिश्ड हैं, उसके बाद लैंडलॉर्ड के द्वारा इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है आप लोगों के साथ? बस क्या कहा जाए, जबरदस्ती का दुर्व्यवहार है। कुछ कारण होगा या क्या कहा गया? जैसे हमारे फादर के नाम से दुकान है तो आप फादर अगर आपके एक्सपायर कर गए तो आपको नया फिर आपका डीड बनेगा, जिसके लिए ना तो कहीं नियम है ना कोई मतलब है। बाप की संपत्ति हो तो बेटा तो लेगा ही ना, बैठेगा एक दुकान पे ना, बस इतना सही झगड़ा। तो इसकी वजह से लोगों ने पांच में अभी 8 दुकानदारों का रसीद 1 से बंद करके रखा हुआ। आप लोगों ने बातचीत की, क्या कुछ बोला गया मकान मालिक? पैसा चाहिए तो फिर हम बना देंगे, एक्स्ट्रा पैसा दीजिए और फिर करने को तैयार। अब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अभी ताला वो शायद खुलवा रहे हैं, हम लोग को जानकारी मिला है, ताला खुलता है फिर देखते हैं। हम अपने सदस्यों के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, फिर जो सभी की राय होगी तो लेके हम लोग चलेंगे। अच्छा, पर कितना है कि अभी तो कोई इंडिविजुअल करते थे जिसकी वजह से ये बात आगे नहीं बढ़ती थी। किया गया तो कई दुकानदारों के साथ किया गया, लेकिन इस बार इन्होंने 5 दुकान एक साथ, वो भी हमारे एसोसिएशन के 5 दुकानदारों के साथ किया है और हमारा एसोसिएशन इतना कमजोर एसोसिएशन नहीं है। भागलपुर जिला विधिक संघ में अध्यक्ष महासचिव सहित 30 पदों के लिए 18 मई को मतदान होना है। इसको लेकर निर्वाची पदाधिकारी मोहम्मद शमसुद्दीन के आदेश पर आचार संहिता लागू कर दी गई है। मतदान में लगभग 2800 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी है जो 3 से 7 तक जारी रहेगी। इसमें दावेदारी के लिए अधिकतम 20 वर्ष से न्यूनतम 5 वर्ष तक वकालत का अनुभव होना आवश्यक है। DBA 2024-26 के चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू है। बावजूद इसके कई उम्मीदवारों के द्वारा आचार संहिता के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिला विधिक संघ का मुख्य द्वार हो या फिर न्यायालय सहित कई द्वार पर प्रत्याशियों का बैनर पोस्टर लगा हुआ है। प्रत्याशियों द्वारा वोटरों को लुभाने के लिए ठंडा पेयजल सहित तमाम तरह की व्यवस्था देने का प्रलोभन भी दिया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर अधिवक्ताओं में काफी रोष भी है। वहीं पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह ने बताया कि जिला विधिक संघ के चुनाव में खुलेआम उम्मीदवारों के द्वारा प्रचार प्रसार कर आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेने की
आवश्यकता है। अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह ने कहा कि ऐसे उम्मीदवारों पर चुनाव आयोग द्वारा सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है और तत्काल उनके नामांकन को भी रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए अधिवक्ताओं का एक समूह लिखित कार्रवाई की मांग को लेकर निर्वाची पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे ताकि चुनाव कदाचार मुक्त तरीके से सम्पन्न हो सके। वहीं निर्वाची पदाधिकारी मोहम्मद शमसुद्दीन से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि आचार संहिता नियमों के उल्लंघन को लेकर उन्होंने बार काउंसिल ऑफ बिहार तक को चिट्ठी लिखी है, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने इस मामले पर अफसोस जताते हुए कहा कि प्रत्याशियों के द्वारा जिला विधिक संघ में वर्चस्व की लड़ाई जारी है। भागलपुर जिला विधिक संघ 2024 का चुनाव निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा घोषित हो चुका है, लेकिन घोषणा होते ही समूचा जिला विधिक संघ भागलपुर में आचार संहिता स्वतः लागू हो गया है। इसमें किसी अभ्यर्थी को, किसी कैंडिडेट को न बैनर लगाने का अधिकार, न किसी को लुभाने का अधिकार है, न किसी को पैसा बांटने का अधिकार है। लेकिन निवर्तमान महासचिव जो अभी पद पर निवर्तमान है वो भी अभी इस दायरे में है, उनको भी चुनाव लड़ना है, वो भी कैंडिडेट हैं, लेकिन वो तरह तरह के प्रलोभन ये हमारे विधिक संघ में बैनर लगाकर, पोस्टर लगाकर, यहाँ तक कि जो भी प्रायोजित बिल्डिंग है वहाँ पर भी ये अपना बैनर लगा के आचार संहिता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन इनके द्वारा किया जा रहा है। जो वर्तमान बिमल प्रसाद विजय महासचिव हैं, वो बिमल प्रसाद बिमल, ये अभी जो ठंडे का पानी का वितरण कुछ चुनिंदों लोगों के लिए, जाति विशेष लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, अपने मत को लेने के लिए ये कर रहे हैं। सभी अधिवक्ताओं को लाभ नहीं दिया जा रहा है, जबकि आचार संहिता की ये खुल्लम खुला उल्लंघन है। इनकी कार्रवाई होनी चाहिए। जो वर्तमान महासचिव है उनका जहाँ भी बैनर है उन पर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए और उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उनका अधिवक्ताओं का जो लाइसेंस है उनका निलंबन होना चाहिए, चूंकि ये सभी जगह प्रलोभन दे रहे हैं अधिवक्ताओं को, पानी पिलाने के नाम में, ठंडा पानी पिलाने के नाम से, बैनर लगाने के नाम से, बिल्डिंग नमाना से ये प्रचार प्रसार ये अपना निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। ये खुल्लम खुला उल्लंघन है। निवेदन करता हूं जो हमारे निर्वाची पदाधिकारी हैं वो वर्तमान महासचिव बिमल प्रसाद बिमल पर ये प्राथमिकी दर्ज करें और उनकी सदस्यता रद्द करें, ताकि ये मैसेज जाए आचार संहिता उल्लंघन में सभी कानून के दायरे में एक है और समान है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। भागलपुर में शनिवार को बच्चों के पैंपर्स गोदाम में भीषण आगजनी हुई। घटना में करीब 2 लाख रुपए से अधिक का सामान जलकर राख हो गया। मामला भागलपुर बबरगंज थाना क्षेत्र के मोहनपुर हसनपुर का है, जहां पर शनिवार की देर शाम आगजनी की घटना हुई। हालांकि आग कैसे लगी इसकी कोई जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बच्चों के पैंपर्स बनाने वाले गोदाम में लगी आग ने देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपने आगोश में ले लिया, जिससे गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 बड़ी गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। स्थानीय लोगों की माने तो गोदाम से अचानक धुआं निकलते देखा। इसके बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू पाने में असफल रहे। इधर लोगों ने घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे अग्निशमन विभाग की टीम ने करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि हादसे में जान माल की किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है। अग्निशमन अधिकारी ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह घटना लापरवाही का नतीजा है। अभी तो आग बुझा रहे हैं हम लोग,
फर्स्ट दृष्टया तो लगता है कि कोई लापरवाही से आग लगा है, लेकिन विस्तृत तब इसको देखेंगे हम लोग, तो उसके बाद बताएंगे। पहले तो हम लोग आग बुझाना के काम कर रहे हैं, ताकि पहले आग बुझ जाए उसके बाद बाकी चीजें विचार की जाए। आग पे तो काबू पा लिया गया सर? लगभग तो पा लिया गया, लेकिन चूंकि कचरा है, रुई का गोदाम है और कचरा का गोदाम है, तो इसमें अभी धुआं निकल रहा है। जब तक इसको कंप्लीट नहीं बताया जाएगा तब तक पूर्ण रूप से काबू कैसे कहा जा सकता है। आग तो अपने छत पे थे, धुआं निकल रहा था। अच्छा, क्या चीज़ का गोदाम है ये? कंपस का बच्चे का है। क्या चीज़ का? कंपस बच्चे का नहीं बनता, कंपस पैंपर्स का। हाँ, अच्छा वही चीज़ था। हाँ, वही चीज़ का है। तो सूचना आपको कैसे मिली थी? सूचना अपने छत पे चले थे तो देखे धुआं निकल रहा है, तो आदमी से आवाज़ दिए, ये बगल का भी खबर दिए कि भैया तुम्हारा बगल में सामान है, तुम बगल करो। उसके बाद में उसने अपना फ़ोन किया था। इस एरिया का क्या नाम पड़ता है? यह पड़ता है हसनपुर, पड़ता है।